पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। भगवान, ये हक स्वाति माँ का है और आज के दिन मिस्टर कपूर को अपनी माँ का आशीर्वाद मिलना ही चाहिए। यार, नंदिनी आंटी गड़बड़ करना चाहती है, फिर से कोई ड्रामा होने वाला है। स्वाति माँ कहाँ है आप, प्लीज आ जाइए। श्रीमान जी, गठबंधन कौन करेगा? मेरा माँ। डिसाइड हुआ था ना, आओ मेरा माँ। आप ट्राई करो। मुझे लगा था मिस्टर कपूर के अस्थमा वाली बात सुनकर वो जरूर आएंगी, उन्हें मिस्टर कपूर की फिक्र है, जानती हूँ मैं। फिर क्यों नहीं आई, लखन ने उन्हें बताया तो होगा ना। प्रिया प्लीज, मुझे गठबंधन करने दो ना। मम्मा, डिसाइड हुआ था ना, कौन करेगा? प्रिया, मैं इस पवित्र अग्नि की कसम खाके कहती हूँ कि आज मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक माँ का फर्ज निभाना चाहती हूँ, वो माँ जो राम डिजर्व करता है। प्लीज मुझे गठबंधन करने दो प्रिया, उसके बाद तुम जो सजा दोगी मैं खुशी खुशी मान लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे गठबंधन करने दो। सुन, इससे पहले की तमाशा हो या बात आगे बढ़े, राम भैया को कन्विंस करके मान जाए। गो भाई, प्लीज मॉम की बात मान जाओ, वो दिल से बोल रही है, प्लीज माफ कर दो। स्वाति माँ अभी तक नहीं आई है और नंदिनी कपूर फिर से अपने झूठे आंसू दिखाकर मिस्टर कपूर की जिंदगी में वापस आना चाहती है। प्रिया, मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रही हो, दैट्स फाइन, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, ओके? लेकिन आज बात मेरी नहीं है प्रिया, आज बात राम की है। आज अगर स्वाति जिंदा होती तो ये रस्म करने का हक उसका होता, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मैं मानती हूँ कि राम मीरा जी को अपनी माँ की तरह मानता है, लेकिन सच तो यही है ना कि मैं उसकी मॉम हूँ, ये गठबंधन करने का हक मेरा है, उसकी माँ का है। सही कहा आपने, ये गठबंधन करने का हक मिस्टर कपूर की माँ का है। स्वाति माँ का, लेकिन वो तो इस दुनिया में है, वो जिंदा है। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।